देने का जो मकसद है वो यही है कि ये दूसरों को भी जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो। लेकिन आज का कार्यक्रम केवल पंचायत में आने का कार्यक्रम नहीं है, बैक टू विलेज के अंतर्गत जो काम हुए हैं या होने वाले हैं उन पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि भारत सरकार की मंशा को भी स्पष्ट करना है कि देश का संविधान सबसे ऊपर है, कानून जो हाथ मिलेगा ये उचित नहीं होगा। गरीब से गरीब आदमी को भी न्याय भारत का संविधान देता है, भारत का कानून देता है। मैं समझता हूं इसलिए आना जरूरी था, इसलिए 5.5 घंटे की यात्रा करके मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। दूसरी बात, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्याय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, काफी हद तक हो गया है और उन परिवारों की चिंता भगवान भी करेगा और यूपी प्रशासन और भारत सरकार भी पूरी तरह से करेगी। आपके सामने अभी कई चीजों का लोकार्पण हुआ है, मैंने उद्घाटन हुआ है रजौरी के स्पोर्ट्स स्टेडियम का। यहां स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहां के टैलेंट को देखते हुए 200 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं पीएमडीपी के अंतर्गत केवल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के, और उसी के अंतर्गत आपका स्टेडियम बना है और भी स्टेडियम बन रहे हैं जो उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आपके डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि आने वाले दिनों में वो पूरे हो जाएंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो सहायता, आर्थिक सहायता मिलती है उसके अतिरिक्त 200 करोड़ जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मुझे लगता है शायद किसी राज्य को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने इतना पैसा नहीं दिया है। इसका उद्देश्य भी यही है जिसकी चर्चा आप में से अनेक लोगों ने की है कि जो गैप है उसे कैसे भरा जाए। मुझे बताया गया है कि कोतरंका में 3,82,00,000 का इंडोर स्टेडियम भी लगभग बन करके तैयार है, नौशेरा, कालाकोट और लंबेड़ी में भी स्टेडियम बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। बैक टू विलेज अभियान इस बार जब शुरू हुआ तो जब अफसरान लोगों से मैं चर्चा कर रहा था, खासतौर से डीसी लोगों से या यूटी के प्रशासन के लोगों से, तो 2-3 बातों पर मैं विशेष बल दे रहा हूं। एक कि हर पंचायत में नौजवानों को स्पोर्ट्स किट जरूर दी जाए, अनिवार्य रूप से दी जाए। दूसरा कि हर पंचायत में कम से कम 2 नौजवान हम आइडेंटिफाई करें, 2 यूथ, वो बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है।